आप सब लोगों का वेलकम। हमने सोचा लोगों की तरफ से और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को बजट आया है, जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करें और बताएं लोगों को कि उस बजट की रियलिटी क्या है, कि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है या नहीं है। इस बारे में हमने सोचा कि आप लोगों से बात करें। सो आफ्टर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन वी विल गिव अ सेक्टर वाइज एनालिसिस एंड पोस्ट दैट वी विल ऑल्सो गिव यू सम मिसलेनियस पॉइंट्स विच आर आउटलाइंड इन द बजट। एंड वॉट वी बिलीव इज दैट दिस बजट इज नॉट रिलेटेड टू द ग्राउंड रियलिटीज। इट्स टू फ्यूचरिस्टिक कि फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एंड एट द सेम टाइम इसमें जो आज की प्रॉब्लम्स है, द प्रॉब्लम्स ऑफ टुमारो, द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे, इट डज नॉट केटर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे। सो इन द बजट स्पीच इफ यू सी, निर्मला ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने अपनी बजट स्पीच में इनिशियल बिट में ये कहा कि आई एम ऑनर्ड टू प्रेजेंट टू द ऑगस्ट हाउस द बजट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर ईयर फिस्कल ईयर 2024-25। वेल लेट मी एट द आउटसेट से दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑनर इन डिसमेंबरिंग अ स्टेट, रिड्यूसिंग इट टू अ स्टेटस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर, स्टाइफलिंग इट्स डेमोक्रेसी, एंड सेवेंथ कंसेक्यूटिव टाइम अनाउंसिंग इट्स बजट फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, अदरवाइज विच शुड हैव बीन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो इट्स द सेवेंथ ईयर। सो दैट इज वाई वॉट वी हैव सेड इज दैट ये जो बजट है, इट्स नॉट अ पीपल सेंट्रिक बजट, इट्स अ बाबू सेंट्रिक बजट। ये लोगों का बजट नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव का बजट नहीं, ये अफसरशाही का बजट है जो कि 7 साल से यहां पर तानाशाह की तरह यहां पर काम कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का इनिशियल 20% स्पीच का देखें, तो उन्होंने उसमें बात की है सिक्योरिटी की, उन्होंने बात की है लॉ एंड ऑर्डर की, नॉर्मलसी की, रिफॉर्म्स की। सो ऑल इन ऑल अगर पहली इनिशियल बिट हम देखें उस स्पीच का, तो वो एक पॉलिटिकल स्पीच है रादर देन अ बजट स्पीच। जिस टाइम पे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही थी या नॉर्मलसी की बात कर रही थी, रिफॉर्म्स की बात कर रही थी, उसी टाइम पे त्रिखा टॉप जम्मू और कुपवारा में जो कश्मीर डिवीजन में, वहां पे दो दो मुठभेड़े हो रही थी और हमारे जो जो आर्मी के नौजवान हैं, आर्मी के जवान हैं, वो मुठभेड़ में फंसे हुए थे, टेररिस्ट अटैक में, इनकाउंटर अटैक्स चल रहे थे। सो दिस इज प्योर डाइकोटमी एंड क्वाइट ल्यूडिक्रस कि एक साइड से वो सिक्योरिटी की बात करती हैं और दूसरे साइड से उसी दिन जिस दिन बजट पेश कर रहे हैं उस पर सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, दो दो यहां पे सिक्योरिटी इश्यूज और एनकाउंटर्स चल रहे हैं। एंड आई टेक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू द फैक्ट दैट शी सेड दैट वी हैव अ लेगेसी ऑफ फिस्कल स्ट्रेस। उन्होंने कहा हमारे पास, हमें मैं बताता हूं उसका तर्जुमा अभी बताऊंगा, वी हैव अ लेगेसी ऑफ फिस्कल स्ट्रेस। एंड एट द सेम टाइम शी सेड 70% ऑफ आवर इकोनॉमिक नीड्स आर फंडेड बाय द सेंट्रल पूल। इसका मतलब यह है कि हमें अपना घर वो चलाना नहीं आता, हमें अपना जो जो खर्चे हैं वो चलाने नहीं आते, तो हमें फिस्कल फिस्कल फाइनेंस मिनिस्टर इन हर स्पीच, तो वो चलाना नहीं आता। तो ये चीज जो है वो काफी निंदनीय है। मैं इसलिए ये बताऊंगा, जब से यहां पे अगर कोई भी रीजनल पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेन करता हूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिन्होंने जब भी कांग्रेस के साथ भी अलायंस किया, बीजेपी के साथ भी अलायंस किया, तो वो किसी शर्त के बेसिस पे किया। तो अगर आप देखेंगे कांग्रेस के साथ जो अलायंस किया उसमें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जो बीजेपी के साथ अलायंस किया उसमें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, बिना शर्तों के। कम से कम पीडीपी ने किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, बाकी पार्टीज ने किया होगा, हमने नहीं किया। तो उसमें जो 2015 में हमने गवर्नमेंट बनाई थी उसमें एक बात कही थी हमने कि हमें हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस दे दीजिए ताकि हम ये फिस्कल कंसोलिडेशन कर सके, जो आप हमने बोला है, आपने बोला है कि हमें अपना घर नहीं चलाना आता। देर इज अ लेगेसी ऑफ फिस्कल स्ट्रेस एंड 70% ऑफ आवर इकोनॉमिक नीड्स आर बीन केटर्ड बाय द सेंट्रल पूल। वेल देर इज अनदर रियलिटी, डिस्पाइट बींग अ लो रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्टेट, उसके बावजूद भी
लो रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्टेट होने के बावजूद भी हमारा सेंट्रल पूल में ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और एट द सेम टाइम हमारे अलावा 9 स्टेट्स ऐसी हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में मानी जाती हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली स्टेट्स वो होती हैं जहां पे ज्योग्राफिकल जो हिमालयन स्टेट्स हैं और बॉर्डर एरियाज वाली स्टेट्स हैं, जहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ज्यादा पनपने नहीं देती है, उसकी वजह से इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस माना जाता है। तो यहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेंटर का ही होता है, लेकिन ये हमें दुहाई दे रहे हैं कि आपको हम 70% सेंटर से भी देते हैं और आपका अपना लेगेसी ऑफ फिस्कल स्ट्रेस है, तो हमें हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस दे दीजिए जो हमने कहा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, हमारा फिस्कल स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। और एट द सेम टाइम मैंने आज तक तो नहीं सुना बाकी 9 स्टेट्स में आपने ये बात कही है, ये जताया है। एक साइड से आप बोलते हैं हमें आपको अपनाना है, दूसरे साइड से आप जता रहे हैं कि हम आपकी डेवलपमेंट के लिए पैसे देते हैं सेंट्रल पूल से। बाकी सारी 9 स्टेट्स में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स है उनमें तो ये बात कभी नहीं हुई। तो लेट मी जस्ट नाउ टॉक अबाउट द सेक्टर वाइज एनालिसिस ऑफ दिस बजट। ये बजट काफी डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, इसलिए मैं सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करूंगा। द प्रोविजंस आर प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। यू सी द प्रॉब्लम विद द एप्पल ग्रोवर्स या सैटरन ग्रोवर्स या आपके वॉलनट ग्रोवर्स है या पैडी ग्रोवर्स है, उनकी प्रॉब्लम्स इस टाइम ये है, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स ये है कि सबसे पहले उनका कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ चुका है। पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से उनके जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, चाहे वो सड़कों पे डिस्ट्रॉय हो गए या कहीं और पे डिस्ट्रॉय हो गए या कोल्ड स्टोरेज में सड़ गए, वो जो उनके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उनके इश्यूज ये हैं कि ये हमारा कर्जा माफ हो जाए। और एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो फेसिंग अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए था, कि जो ये किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स चढ़ चुके हैं वो काफी ज्यादा लोन्स हो गए हैं और इनको लोन वेवर होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी एटलीस्ट, मैं नहीं बोलता हूं कि ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज हमें इंक्रीज करनी है ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स जो प्रोड्यूस आता है वो यहां पे डंप ना हो और हमारा जो माल है, बिकॉज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इज बैकबोन ऑफ कश्मीर्स इकोनॉमी, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा माल है वो सड़ रहा है कोल्ड स्टोरेजेस में। तो ये इन चीज के बारे में प्रोविजन होने चाहिए, एटलीस्ट डायरेक्शन दी जानी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाइए, आप काउंटरवेलिंग ड्यूटीज बढ़ाइए, हमारा माल सड़वाइए मत कोल्ड स्टोरेजेस में। बट हाउएवर देर इज एब्सोल्युटली नथिंग डन ऑन दैट। किसान क्रेडिट कार्ड्स में इतने सारे, जो मैंने इससे पहले भी बोला, किसान क्रेडिट कार्ड में इतना सारा लोन चढ़ गया है, कुछ 200-300-400 करोड़ लोन है, कुछ 100 करोड़ लोन है। अगर मेरा ये क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर बैंक या स्टेट बैंक या बड़े बड़े बैंक्स अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी को कश्मीर के किसान के साथ, एप्पल ग्रोअर के साथ, सैफरन ग्रोअर के साथ, पैडी जो अपना राइस उगाते हैं उनके साथ क्या दुश्मनी है कि वो उनका कर्जा माफ नहीं कर सकते? अगर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं तो इनका क्यों नहीं कर्जा माफ कर सकते? इसके अलावा ये भी एक डिमांड थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में कि हमें मंडीज की जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा जिस तरीके से कि शुपियन में हमने एक एप्पल की मंडी लगाई थी, उसके बाद वहां पे जॉब्स भी क्रिएट हो गए और उधर का बिजनेस भी फ्लरिश हुआ। लेकिन अलग अलग जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जैसे वॉलनट है, उसकी एक डिमांड है कि मंडीज आए, बट दोज मंडीज, वो मंडियां इस एग्रीकल्चर इस पर्टिकुलर बजट में हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की है। So agriculture all in all has been the provisions are quite disappointing. At the same time handicrafts ke bare mein, ek allied sector hai, handicrafts ke bare mein aapne kuch koi bhi provision, handicraft ke artisans ke bare mein, handicrafts ke bare mein uski promotion kaise karenge, kis tarike se hum Kashmir ke products ko world class banayenge, uske bare mein koi bhi kisi bhi tarike ki baat nahi ki gayi hai, and that is very disappointing. From the agricultural sector, now I will talk about the unemployment that has happened, the youth sector, the employment sector. आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर is facing the highest job crisis in the last 5-10 years. It is facing the highest job crisis in the country. Center for Monitoring Indian Economy कहता है कि यहां पे highest
एजुकेटेड यूथ है जो हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयड है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द एजुकेटेड यूथ. उसके अलावा एमएचए की रिपोर्ट है 2020 के बीच में और 2022 के बीच में, आप पता आप उस रिपोर्ट पे देख सकते हैं कि 78 लोगों ने सुसाइड किया है. किस वजह से? क्योंकि वह अनएम्प्लॉयड थे, इस वजह से सुसाइड किया हुआ है. सुसाइड रेट हैज इंक्रीज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस. आपने आप अगर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन देखे, वहां पे 3,01,889 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं हर साल ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट कोर्सेज में. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इतने लोग जो ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल करते हैं, दूसरे साइड से आप देखें बीजेपी का इस बजट में क्या सबसे ज्यादा ग्रैंड जेस्चर है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, वो ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करके 1,000 ग्रेजुएट्स को नौकरियां देंगे. कहां 3,00,000 लोग और कहां 1,000 नौकरियां. उसमें भी आई एम श्योर वो हैंड पिक करके नौकरियां चूज करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि वो एसपीओ का रिक्रूटमेंट स्कैम जो हुआ है अभी पीछे, वहां पे महबूब बेग साहब ने भी बात की बॉर्डर एरियाज में एसपीओ को रिक्रूटमेंट किया. आई एम श्योर इसमें भी वो हैंड पिक तरीके से इन 1,000 ग्रेजुएट्स को जॉब्स देंगे. मगर लेकिन ये 3,00,000 ग्रेजुएट हो रहे हैं, यही सेम चीज पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रॉब्लम है, यही चीज पीएचडीज में भी प्रॉब्लम है. सो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा. देर इज वी हैव टू रिजॉल्व दिस सिस्टमिक प्रॉब्लम दैट इज प्लेगिंग द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द एजुकेशन सेक्टर एज वेल. फिर देन देर इज नथिंग एट ऑल इन दिस बजट दैट हैज बीन स्पोकन अबाउट द आशा वर्कर्स और डेली वेज वर्कर्स. 60,000 हमारे आशा वर्कर्स डेली वेज वर्कर्स 60,000 है, उसके बारे में कोई बात नहीं की है इस बजट में. इसके बाद उनको रेगुलराइज कैसे करें उसके बारे में कोई प्लान नहीं. इसके बाद अगर आप देखें, हमने कॉन्स्टेंटली बोला है कि कम से कम जो अनएजुकेटेड जो एजुकेटेड यूथ है जिसको नौकरी की जरूरत है उसे कम से कम एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की है. इसके अलावा देन देर आर काउंटलेस नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट स्कैम्स, countless number of recruitment scams that has dawned upon Kashmir from last 5-7 years. I can't even say it, mujhe yaad bhi nahi aa raha. FAA scam, kitne sare scams, FAA scams, JKSI scams aur kitne sare jo recruitment scams hai, iski wajah se bhi unemployment kafi zyada badh gayi aur jo educated youth hai us pe kafi distress hai. Iske baad iske bare mein hame kuch karna chahiye, government of india ko iske bare mein kuch karna chahiye. पावर सेक्टर की बारे में बात करेंगे. बजट पे लिखा गया है पावर सेक्टर विल बूस्ट टूरिज्म एंड इंडस्ट्री, इट विल क्रिएट जॉब्स, स्मार्ट मीटर्स आर हर एक कंज्यूमर के लिए लगाएंगे. फिर उसके बाद बिलिंग एफिशिएंसी, वी विल एनहांस द बिलिंग एफिशिएंसी. तो बेसिकली जो इनका जितना भी, और देर आर अ लॉट ऑफ विल, हम वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, वी विल प्लेस ट्रांसफार्मर्स, वी विल इंक्रीज द ग्रिड कैपेसिटी. बहुत ज्यादा विल जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया है. अभी जो पावर सेक्टर में हम अगर बात करें, जो इन्होंने जॉब्स की बात की है, बूस्ट करेंगे जॉब्स को, टूरिज्म को, स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे, तो बट द रियलिटी इज दैट पावर सेक्टर में इस टाइम जो इशू ये है कि सबसे पहले तो आप आर्बिट्रेरली पावर के जो प्राइसेस है आर्बिट्रेरली आप रेट इंक्रीज कर रहे हैं. एवरी थ्री फोर मंथ्स आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. वो क्यों प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उनका उसका कारण क्या है, उसका कोई हमें कोई ठोस या कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिलता. आपको सब जगह मीटर लगाना है लेकिन पावर है ही नहीं. फिर आप बोलते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बिजली चोरी कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज दैट वी आर सेलिंग अ लॉट ऑफ पावर आउटसाइड द स्टेट. विंटर इज कमिंग, वॉट इज योर प्रिपरेशन फॉर द विंटर, कि क्या आप इसी तरीके जैसे समर में इंटरमिटेंट पावर है, विंटर में भी इंटरमिटेंट ऐसे ही पावर रहेगा, दो दो दिन बिजली नहीं आती. इन सारी चीजों के बारे में कौन बात करेगा. आपने तो सिर्फ फोकस किया है हम बिलिंग कैसे एनहांस करेंगे, हम बिलिंग कैसे एनहांस करेंगे, लेकिन आपने इस साइड से दूसरे साइड से फोकस ही नहीं किया कि हम कंटिन्यूअस सप्लाई कैसे पावर की देंगे. बेसिकली द प्रॉब्लम विद द पावर सेक्टर इज, एंड लेट मी जस्ट टेल दिस टू द वाइडर पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज दैट दैट अगर आप देखें तो हमारे जो पावर परचेज अग्रीमेंट्स है जो हमने पहले किए हुए हैं वो गलत है.
वी आर सेलिंग हाइड्रो बेस्ड पावर फॉर 4 रुपीज एंड वी आर परचेजिंग कोल बेस्ड पावर फॉर 11 रुपीज। इसकी वजह से हमारा जो पिछले 10 साल में हमने जो बाहर से पावर खरीदा, वी आर वेस्टेड रिसोर्सेज, वो दैट इज अप टू द ट्यून ऑफ 55,000 crores इन द लास्ट 10 ईयर्स। अभी निर्मला सीतारमन जी बात करती हैं फिस्कल कंसोलिडेशन की, आप ये बात करती हैं कि लेगेसी ऑफ फिस्कल स्ट्रेस की, तो अगर आप जो ये पावर परचेज एग्रीमेंट से इन्हीं को ठीक कर दे, वो भी हमारे लिए फिस्कल कंसोलिडेशन, उससे भी हो जाएगा, लेगेसी ऑफ फिस्कल स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम हमने बात की थी रिगार्डिंग हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, हमें वापस दे दीजिए वो पावर प्रोजेक्ट्स। अगर हमें आप वापस दे देते, शायद हम अपने रिसोर्स मोबिलाइज करते, पावर की वजह से हमारे रिसोर्सेज मोबिलाइज होते, तो शायद हमारी जो ये फिस्कल कंसोलिडेशन है उसमें भी मदद होती। फिर उसके बाद जो इन्होंने बोला है कि पावर सेक्टर विल जनरेट जॉब्स, मैं आपको ये बता दूं 1999 से लेके 2019 तक हर दो तीन साल में पावर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव करता था एक, जिसमें हर 200 से 300 वो लोग जॉब्स प्रोवाइड करते थे। 2019 से लेके अभी तक वो रिक्रूटमेंट ड्राइव पावर डिपार्टमेंट की साइड से हुई ही नहीं। इसमें लाइनमैन होते थे, जेईज होते थे, अकाउंट्स ऑफिसर होते थे, वो रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई। तो क्या बात करते हैं ये लोग कि हमारे पावर सेक्टर को ये डेवलप करेंगे, हमें अपने पावर प्रोजेक्ट्स वापस दे दीजिए और हमें हम हेल्प कीजिए कंसोलिडेट करने में, ताकि हम आप पे बोझ ना बन सके। जो आपने बोला हम आप पे बोझ है, एक हिसाब से आपने इशारा दिया कि हम आप पे बोझ है। देन लेट्स टॉक अबाउट द हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर में बजट में अनाउंस्ड है कि हम जी 80,000 घर देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर, जो ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, PMAYG, उसके वजह से उसके अंडर हम लोग आपको हम देंगे मकान 80,000 मकान, और उसके लिए एलोकेट किए गए हैं 1104 करोड़ रुपए। अगर आप इसको इस 1104 करोड़ को 80,000 से डिवाइड करते हैं तो पता चलता है हमें 1,38,000 रुपीज विल बी गिवन टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड अमंग्स दीज 80,000 हाउस होल्ड। अब मुझे एक बात बताइए, आजकल तो टॉयलेट ही अगर शहर में बनाए गांव में बनाए, टॉयलेट ही 30,000-40,000 का बनता है, 1,38,000 का कैसे आप घर बना पाएंगे? दिस इज नथिंग, दिस विल प्रूव बट इट विल जस्ट बी अ स्क्रैच ऑन द सर्फेस, इट विल नॉट प्रोवाइड अ रूफ ऑन द हेड। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने आपको बताया 1,38,000 आता है, देन यू सी द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्राइसेस कितने हाई हो गए हैं, लेबर प्राइसेस किसके कितने हाई हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइसेस इसलिए हाई हुए क्योंकि वो भी हमारे लिए हमको बीजेपी की देन है। माइनिंग यहां पे बैन कर दी, उसकी वजह से इलीगल माइनिंग की वजह से कितनी ज्यादा जो हमारे पत्थर है या सैंड है उसका प्राइसेस कितने हाई हो गए। जो सैंड की गाड़ी 3,000-4,000 में आती थी वो 20,000 में आती है। जो ब्रिक्स वी यूज टू फेच देम फॉर 8,000-9,000, नाउ इट्स फॉर 35,000 रुपीज लॉरी। तो ये चीजें बीजेपी की देन है। तो 1,38,000 में ये गरीब कैसे घर बनाएगा, ये हमें थोड़ा इस बजट के माध्यम से जो आपने बताया ये हमें समझा दीजिए। हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे, यू हैव स्पोकन अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, दैट यू विल एलोकेट 100 crores टू रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल सेक्टर। उसको 100 करोड़ अगर हमने दे दिया, पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है 1.5 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इफ यू सी द पर इन पर कैपिटल टर्म्स ये आता है 66 रुपीज पर कैपिटल आता है। ये 100 करोड़ तो ऑपरेशनल कॉस्ट में ही चले जाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, रूरल क्रेडिट कैसे बढ़ेगा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ गांव की जो महिष्यत है वो कैसे ठीक होगी, वो इस 100 करोड़ से कैसे ठीक होगी, ये हम अभी बजट के माध्यम से जो इन्होंने बोला है हम भी सोच रहे हैं ये कैसे ठीक होगा। सो बेसिकली इट्स नथिंग देयर इज। और उसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स में एंड एट द सेम टाइम कोऑपरेटिव बैंक्स में देयर आर सम स्ट्रक्चरल इश्यूज, सिस्टमिक इश्यूज, उनको कैसे आप टैकल करेंगे, उसके बारे में आपने कोई बात नहीं की है। आई मस्ट से बीजेपी कीप सेइंग वील टॉक अबाउट द इनिशिएटिव टेकन फॉर द ट्राइबल्स, आई मस्ट से बीजेपी कीप्स टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटी। अभी पहाड़ीज को भी ट्राइबल स्टेटस दिया है इन्होंने,
बट लेकिन बजट में जब आप ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, दैट इज पिटेंस, एब्सोल्युटली नथिंग. इन्होंने ये कहा कि 5,000 हम इंप्रूव्ड बायोगैस स्टोव्स देंगे टू आवर ट्राइबल कम्युनिटी. ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन है 15 लाख. अगर हम इसे डिवाइड करें तो लगभग लगभग 300 लोगों के लिए एक स्टोव है. व्हाट इज दिस? इसके साथ इन लोगों ने यह बताया है कि हम लोग 335 करोड़ रुपए देंगे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए. फॉर व्हाट? फॉर हेरिटेज प्रिजर्वेशन, फॉर फेस्टिवल प्रमोशन, ट्राइबल वेलफेयर इनिशिएटिव्स लाइक हॉस्टल्स, मिल्क विलेजेस, नोमैड शेल्टर्स, स्पोर्ट्स. यहां पे एलजी साहब कोई प्रोग्राम करते हैं या बाहर से कोई यूनियन मिनिस्टर यहां आता है, 3-4 करोड़ रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं. तो 335 करोड़ में ये सब कुछ, हेरिटेज प्रिजर्वेशन भी हो जाएगा, ट्राइबल वेलफेयर, ये हॉस्टल्स भी बन जाएंगे, मिल्क विलेजेस भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा. और व्हाट अबाउट द एक्चुअल इश्यूज प्लेगिंग द ट्राइबल्स, व्हिच इज अबाउट देयर हेल्थ केयर, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, अबाउट सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एंड व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट दे रिक्वायर अ होलिस्टिक एंड वेल फंडेड स्ट्रैटेजी फॉर देयर डेवलपमेंट? दैट इज एब्सोल्युटली मिसिंग. सो हर चीज, हर कोई जो प्रोग्राम है इनका, हर कोई जो अलाउंस है, वो एक हिसाब से इट्स अ बैंडेड, नॉट अ फिक्स, परमानेंट फिक्स, एक बैंडेड की हिसाब से इन लोगों ने काम किया है. देन ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द हेल्थ सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दे हैव गिवन सम बजट, एलोकेटेड सम बजट टू द हेल्थ सेक्टर. वेल, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू दैट, आई विल जस्ट टेल यू, टू लिटिल टू लेट, 97% जो हमारी पॉपुलेशन है वो पब्लिक हेल्थ केयर पे डिपेंडेंट है. 97% WHO कहता है एक डॉक्टर चाहिए, हर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो होना चाहिए 1:1000, एक डॉक्टर 1000 पेशेंट्स के लिए होना चाहिए. लेकिन कश्मीर इज द ओनली प्लेस, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट, जिसका वन ऑफ द हाईएस्ट जिसका डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, वो है एक डॉक्टर हमारे 200 पेशेंट्स के लिए है. वैली में 2459 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स है, जिसमें क्रिटिकल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स है, जो विच कैन हैंडल हाई रिस्क पेशेंट, दैट इज 752. देर इज नो मेंशन ऑफ ऑल ऑफ दिस इन द बजट. सो दैट मीन्स वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 6 बेड्स पर 10,000 पीपल. देर आर नो बेड्स. आपने इन चीज के बारे में मैंशन ही नहीं किया है इसमें. फिर उसके बाद अक्सर और बेशतर रूरल साइड से जितने भी सारे बीमार होते हैं उनको भेजा जाता है अर्बन एरियाज. तो जो टाइम निकलता है कम्यूटेशन में, एम्बुलेंसेज में, उसमें लोग बहुत सारे मर जाते हैं. तो इट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, इट इज बेटर वी कुड हैव प्रोवाइडेड सम हॉस्पिटल्स इन द रूरल एरियाज, विच वी हैव अनफॉर्चुनेटली नॉट डन. द बजट डजंट स्पीक अबाउट इट एट ऑल. तो सिस्टमिक इश्यूज है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं ये. फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव अ पॉसिटी ऑफ ब्लड बैंक्स. डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक्स है. एम्बुलेंसेस की आपने बात नहीं की है. आपने ठीक है, थोड़ा बहुत आपने एलोकेट कर दिया, बट लेकिन ये स्ट्रक्चरल इश्यूज जो ठीक करने हैं वो कैसे होंगे उसके